client. ओम शांति। आइए हम सभी मिलकर एक मिनट बाबा को याद करते और बाबा को आज की मुरली के लिए इनवाइट करते। आज 3 अप्रैल 2022 मुरली का टाइटल है आज का संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। इस मुरली का ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1990। तो बाबा ने कहा, आज अनेक बार मिलने वाले सिकलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। आज अनेक बार मिलने वाले सिकलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। तो अनेक बार मिलने वाले सिकलदे कैसे हो सकते? एक तरफ हमने अनेक बार मिले भी और एक तरफ सिकलदे भी है। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति जी। रिया बहन बोलिए। आ रही है आवाज? आप बताना चाहेंगे? हाँ जी दीदी, जैसे हम बाबा से मिले तो हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम बिछड़े भी हैं ना। तो जैसे संगम पर बाबा से हम 5000 वर्ष बाद मिलते हैं, और उसके बाद फिर हम बिछुड़ भी तो जाते हैं ना, तो इसलिए आई थिंक सिकलदे कहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वही मुझे भी लग रहा है कि सिकलदे अनेक बार तो मिले हैं, लेकिन 5000 वर्ष में एक बार वो मिले हैं। मतलब हर 5000 वर्ष में एक बार मिलते हैं, तो उस 5000 वर्ष का जो स्पैन है उसके लिए बाबा कहते हैं कि सिकलदे। लेकिन ये सिकलदे बच्चे जो लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, वो भी फाइंड कब होते हैं? 5000 ईयर्स में एक बार। और ये 5000 ईयर्स का चक्र बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए अनेक बार है। बहुत बार रिपीट हुआ ये, अनगिनत बार। बाबा बोलते ना, इसका कोई हम ये नहीं कर सकते हैं कब शुरू हुआ।
बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए बार बार मिले हैं, लेकिन सिकिल दे इसलिए क्योंकि वो मिलना भी 5000 इयर्स में एक बार होता है शायद इसलिए। थैंक यू श्वेता बहन। कृष्णा बहन बताएंगे। सोनिया बहन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओम शांति। मैंने अब भी एंजॉय किया, मैंने सुना नहीं कुछ भी। जैसे बाबा ने कहा आज अनेक बार मिलने वाले हैं, सिकिलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं, तो अनेक बार मिलने वाले और सिकिलदे बच्चे, तो दोनों का क्या रिलेशन है? एक तरफ अनेक बार मिलने वाले और एक तरफ सिकिलदे बच्चे। जो मुझे इस लाइन में दिखा था सुबह भी कि सिखी लदे बाबा कहते हैं लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, मतलब बहुत टाइम से बिछड़े हुए अब जाकर मिले हैं। पर ये मिलना, ये अनेक बार बिछड़ना और अनेक बार मिलना, ये बार बार हुआ है। तो मुझे जो लगा कि इसमें बाबा हमारी वो बात हमारे सामने रख रहा है कि अब क्या मुझे ये एहसास होता है कि जो कुछ भी अब सीन सीनरीज बातें कुछ भी जो हो रही हैं, अब वो मुझे हिलाती डुलाती नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर वो स्मृति जागृत हो चुकी है कि ये पहले भी हुआ था, मैं पहले भी बाबा से ऐसे मिली थी, ये सब कुछ पहले एज इट इज हुआ है। ये स्मृति होना मतलब मेरे अंदर का हलचल समाप्त हो जाना, अचानक नहीं लगना, हादसा नहीं लगना, झटका नहीं लगना, ये चीजें अब मेरे साथ अगर होनी बंद हो गई हैं, यानी कि मेरे अंदर वो स्मृतियां जागृत हो चुकी हैं कि ये पहले भी हम मिले थे, हम ऐसे ही बाबा से एक बार बिछड़े थे, ऐसे ही मेरी सारी शक्तियां चली गई थी, ऐसे ही मैं भटक गई थी और फिर मैंने ऐसे ही उनको ढूंढना शुरू किया था और फिर मुझे वो ऐसे के ऐसे ही मिले थे। ये मुझे अनुभव हुआ इस लाइन से। थैंक यू सोनिया बहन। नीतू बहन बताएंगे। हाँ दीदी, कुछ नया नहीं है, यही लग रहा है जी। जो सबने बताया। और किसी को कुछ और शेयर करना है? मुझे जो समझ में आया इस लाइन से, बाबा कह रहे हैं आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर मिले, ये अनेक बार मिलने वाले, ये है हमारा अनुभव। हमारा स्मृति जागते जो अनुभव होते हैं, वो हमारा जो फीलिंग्स आ जाता है कि पहले भी हम मिले थे, अनेक बार भी मिले थे, वो फीलिंग्स हमारा है। और सिकिलदे जो बाबा कह रहे हैं, जो बाबा को पता है कि बहुत हमने लॉस्ट बट फाउंड, कि हम गुम हो गए थे और फिर से मिले हैं, तो ये रिलेशन मुझे समझ में आ रहा है कि एक तरफ हमारा भावना भी बाबा ने लिया है और बाबा का भी, दोनों को जोड़ के अभी बाबा कह रहे हैं फिर से आकर मिले हैं, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आए हैं। बाबा कहते हैं बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं, तो बच्चों को वो स्मृति आ चुका है कि अनेक बार मिलने मिले हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। ये विचित्र मिलन क्या है? ओम शांति हिमाबेन। ओम शांति। मुझे आजकल जैसे ऐसे लगता है कि जो लाइन मुझे समझ में आ रही है, मतलब मुझे टच कर रही है, तो लाइन शायद मैंने जी है। जैसे बाबा ने कहा ना कि तुम अनेक बार मिले हो, तो जैसे अब ये लाइन मुझे बहुत टच हो रही है कि हाँ बाबा, तो अब मेरा ये निश्चय पक्का बैठ गया है
कि हाँ मैं बाबा से कल्प कल्प हमेशा ही मिलती आ रही हूँ और ऐसे ही बाबा ने मुझे चलाया है, अगले 5,000 साल भी ऐसे ही चलाएगा बाबा। तो ये विचित्र मिलन क्या है? जिसका चित्र नहीं हो, विचित्र का मतलब एक होता बिना चित्र के, बिना चित्र के। जैसे एक तो मिलन होता है देह से देह का मिलन जैसे, और ये है आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो विचित्र है, इसका कोई चित्र नहीं है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता कि आत्मा और परमात्मा मिल रहे हैं। आज हम भले बहुत बोले कि हमारा योग बहुत अच्छा है, पर हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते कि देखो वो देखो हमारा मिलन हो रहा है। जैसे मीरा का कृष्ण की मूर्ति में प्रवेश होना, लोगों ने देखा है कि उसकी चुनरी बाहर रह गई थी, चुनरी का एक किनारा बाहर रह गया था, और उस उसमें जो स्टेचू थी उसमें वो समा गई थी, तो वो देखा लोगों ने, पर तो वो चित्र हुआ, लेकिन हमारे को कोई देख ही नहीं सकता। हम कितना भी कहें कि हम भगवान से मिलन मना रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज को नहीं देख सकता, ये अनुभव की बात है, इसलिए विचित्र है। थैंक यू कृष्णा बहन। गोमती दीदी कुछ बोलना चाहेंगे? सीता दीदी विचित्र मिलन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी दीदी, अभी तक हमारे जो भी मिलन था वो हम देवी देवताओं से चित्रों के आगे जाके फिजिकल बॉडी से मिलते थे। अभी जो हमारा मिलन है उसमें नथिंग फिजिकल, ये एट ए सटल लेवल हम जैसे गॉड की पावर्स को रिसीव करते हैं, एक एनर्जी सोर्स से कनेक्ट होती है आत्मा, तो इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं है। इट इज ओनली एट ए सटल लेवल कि वी गेट फिल्ड अप और हम संपूर्णता की स्टेज को पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू दीदी। और किसी को? हाँ जी श्वेता बहन बोलिए। हाँ हिमा दीदी, ये भी जैसे लग रहा है कि हम बाकी आत्माओं से भी, जिसके भी हम रिलेशन में आते हैं, उनसे भी हम बार बार मिल रहे हैं, अनेक बार मिल रहे हैं हम उनसे, लेकिन उनसे मिलने समय वो स्मृति नहीं है, मगर परमात्मा के साथ जब मिलते हैं तब ये स्मृति आती है, तब बाबा हमें ये याद दिलाते हैं, बाबा हमें ये टच करते हैं। जैसे कोई किसी को टच कर, बहुत ऐसे स्टोरीज देखते थे ना, किसी ने किसी को टच किया और वो स्मृति जाग गई या फिर कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया। तो यहाँ विचित्रता इस बात में भी मुझे दिख रही है कि परमात्मा ने हमें आके हमारे अंतर आत्मा को छुआ और हमारे अंदर ये स्मृति जाग गई कि हम परमात्मा से बार बार मिले हैं। ये स्मृति परमात्मा में थी, he had it, but we did not have, and he transferred that to us just by coming to us, मतलब हमसे मिले और उन्होंने हमें भी अपने जैसा ये स्मृति में डाल लिया। मिले हम बहुत और सभी आत्माओं से भी है, लेकिन उनसे मिलते समय स्मृति नहीं। थैंक यू श्वेता बहन। और किसी को कुछ शेयर करना है? विचित्र मिलन जी आरती बहन बोली। ये सिर्फ शिव बाबा के साथ नहीं है, ब्रह्मा बाबा के साथ भी अनुभव हुआ है, बहुत आत्माओं को जिनको ज्ञान दिया तो उन्होंने बोला ऐसी तो सपने में पॉइंट ऑफ लाइट मैंने पहले भी देखी है, और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ये बूढ़ा दादा तो मेरे सपने में आया था, ये कुछ आत्माओं से मिलना हुआ, तो ऐसा लगा था बाप दादा को जैसे पहले से ही थोड़ा एक्वेंटेंस उनको ऑलरेडी किसी जरिए के थ्रू प्राप्त था, और सेंटर ले गए तो बाप दादा की फोटो जब सेंटर पे देखी तो ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा इनके से बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ एकाध आत्मा ने बोला, ऐसा लग रहा है मेरा बहुत जिगरी रिश्ता है, एकदम जैसे दिल को छू गया ये, तो वो झट ज्ञान में भी आ गई। तो वो जब वो ये मिलन होता है तो पूर्व वो पिछले साइकिल की स्मृतियां एकदम जागृत हो जाती है, जैसे कि पूर्व जन्म में अगर कोई मिला, कोई मेरे साथ रहा है और इस जन्म में आया, तो उसको देखते ही जैसे अगर पूर्व जन्म की मेमोरीज आ जाएं तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, या वो फीलिंग आए कि हाँ कुछ मेरा बहुत अच्छा इसके साथ हिसाब किताब था।
तो जैसे वो फ्रेशनेस सी और एक क्लोजनेस फील होती है, वैसे काफी आत्माओं को होती है फील। हिमा बेन, एक और मेरा पॉइंट जैसे मुझे लग रहा था, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे हम साइंस भी आज कह रही है कि जो दिख रहा है वो केवल 0.001% है, और जो नहीं दिखाई दे रही है एनर्जी वो 99.99% है। तो ये भी एक विचित्र है ना, जो नहीं दिख रहा है उसका मिलन है, ये दिख रहा है उसका मिलन, और वो दिख रहा है जो केवल 0.001% ही है। और ये मेरा अनुभव भी रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि मेरा अनुभव है बचपन से, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे को ऐसा लगता था कि ये ब्रह्मा बाबा मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहा करती थी कि मेरे दादाजी बहुत सुंदर हैं, बहुत फरिश्ता स्वरूप, जैसे वाइट वाइट से दिखते ऐसे दादाजी मेरे दादाजी रहे हैं। जब मुझे नहीं पता था ये ब्रह्मा बाबा है, मैं लोगों से कहती थी मेरे दादाजी है, देखो मेरे को दादाजी ना घुमाने ले जाते हैं हाथ पकड़ के। ये बहुत सालों का अनुभव है मेरा ये, और आज भी रहता है, आज भी ब्रह्मा बाबा जैसे खट आ जाते हैं। मैं वही छोटी सी बच्ची फ्रॉक पहन के और उनके पाँव पे पाँव रखे, जैसे जैसे दादाजी चलाते हैं ना छोटे बच्चों को, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और अपने पाँव पे पाँव रखे चलाते हैं, ऐसे मैं उनके साथ घूमती हूँ। और ये बहुत सालों से घूम रही हूँ मैं, आज से नहीं, बहुत साल, जब मैं जानती भी नहीं थी कि ब्रह्मा कुमारी कौन है क्या है, लोगों को बताया करती थी कि मेरे दादाजी बहुत सुंदर है, मेरे दादाजी बहुत सुंदर है। थैंक यू कृष्णा। और किसी को कुछ शेयर करना है तो बाबा ने कहा ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। मेरे लिए विचित्र मिलन है वो जो आत्मा मैं हूँ, जैसे मैं परमधाम की स्थिति में हूँ, उस स्थिति में रह के जब मैं बाबा से मिलती हूँ तो मैं बाबा का फीलिंग्स को मैं कैच कर पाती हूँ और मेरा फीलिंग्स जाग उठता है। और उस समय मैं मेरे ऊपर जो भी कवरिंग्स है वो सब मैं हटा देती हूँ और एक्सपोज हो जाती हूँ, और एक्सपोज होने के कारण मैं बाबा के साथ मिल के वो जो मिलन होता है, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है, वो होता है विचित्र मिलन। तो बाबा ने आगे कहा सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं, ये भाग्य सिर्फ हमारे ही है। बाबा कहते चाहे समय प्रति समय धर्म पिता आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताए भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। तो जो देवभान में होगा, जो भी चीज देवभान में होगा, वो ऐसे महसूस कभी नहीं हो सकता है कि अनेक बार मिले, क्योंकि देह है विनाशी और हम आत्माएं इटर्नल होने के कारण हमें वो स्मृति आ जाता है। बाबा कहते हैं इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमपिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकती। तो स्पष्ट स्मृति क्या होता है? बाबा ने कहा चाहे समय प्रति समय धर्म पिता आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताए भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। ये स्पष्ट स्मृति सिर्फ परम पिता से ही मिलने का है। ओम शांति दीदी। दीदी स्पष्ट स्मृति से ये अर्थ है कि ड्रामा की नॉलेज उन्हें नहीं होती कि हम कल पहले भी मिले थे, हम इस तरह से फिर मिलते रहेंगे। ये एक हमेशा आदमी को इल्यूजन लगता है कि भगवान क्या है, उसे कैसे मिल सकते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं, शायद साक्षात्कार करना ही लास्ट की स्टेज है।
तो इस सारे भ्रम में ही आत्मा 5000 साल तक रहती है। अब आके बाबा ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट करते हैं कि हम एक बार ही नहीं मिलते, हम कल्प कल्प मिलते रहते, ऐसा मुझे लगता है। शांति श्वेता बहन बताएंगे। जी दीदी, मैं सोच ही रही थी, स्पष्ट स्मृति मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बाबा इस ड्रामा के चक्र में नहीं आते, शरीर नहीं लेते हैं, तो इस वजह से उनका स्मृति जो है वो उसी स्टेट पे है एवरी टाइम, उनका स्टेट कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो उन पवित्र स्टेज पे है बाबा, जो पवित्रता के सागर है, उनके उस वजह से उनका स्मृति एकदम क्लियर है, विस्मृति में नहीं आते। लेकिन हम आत्माएं जो परमात्मा से मिल चुकी है, हमें अभी स्मृति आई है कि हम अनेक बार मिले हैं, लेकिन फिर भी हम तो विस्मृति में आ जाते हैं। जब बाबा आते हैं तो हमें यादें आते हैं, तो हमको याद आता है, तब हमें वो चीज फिर भी स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले तो नहीं दिख रहा था। लेकिन परमात्मा के लिए ये कभी वो भूलते ही नहीं है, वो हमेशा उनके लिए सारी स्मृतियां ड्रामा की, आदि मध्य अंत की, हम बार बार मिले हैं फिर बार बार हम बिछड़ जाते हैं, ये सब स्मृति परमात्मा को पूरा क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है। मीनाक्षी बहन बताएंगे कुछ। स्पष्ट स्मृति जो परमात्मा के अलावा कोई आत्मा उसे मिल नहीं सकते, स्पष्ट स्मृति क्या है? ओम शांति दीदी। दीदी मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहे। हाँ दीदी, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कि कोई लोग मिलते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो पहले मिले हैं, वो रिलेशन में भी अच्छा आते हैं, या अगर संस्कार पहले अच्छे नहीं रहे हैं तो उन्हें देखते ही वो नापसंद करते हैं या बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पहले भी मिले हैं, हमारा पहला भी कोई संस्कार रहा है। तो चूंकि बाबा के अंदर ये संस्कार होता है कि हम मिले हैं और बिछड़े हैं, तो बाबा हमको ये संस्कार ट्रांसफर करता है, याद दिलाता है कि तुम बिछड़े हो और हम कल्प कल्प मिले हैं। लेकिन दूसरे जो धर्म आत्माएं होते हैं वो तो हमारी तरह ही मनुष्य हैं, मनुष्य आत्मा है जिनकी स्मृति से ये चीज गायब हो जाती है। तो वो भले उनके फॉलोअर्स जो होते हैं, जैसे क्राइस्ट आता है तो कुछ एक फॉलोअर्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि उनको बहुत ऐसे स्पीच नहीं देनी पड़ती, कुछ उपदेश नहीं देने पड़ते और वो उनके पीछे चलने लगते हैं। कि कोई बाल बना रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, तो वो चल दिया, उसने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। तो उसको ये था, माना संस्कार तो उनके ऐसे देखने में आ रहे हैं कि मैं तो मतलब इस दुनिया में आया ही इसीलिए हूं कि जब धर्म पिता आएंगे, क्राइस्ट आएगा, तो मुझे उसको फॉलो करना है। लेकिन वो जानते नहीं है इस बात को, भले फॉलो कर रहे हैं वो उसी हिसाब से जैसे हमें बाबा मिला, बस पहले दिन बाबा मिला और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन हमको ये स्मृति है कि ये वही बाबा है, क्योंकि ये स्मृति बाबा ने हमको दी है। वहां धर्म पिता ये स्मृति भले प्रैक्टिकल में है वो है, लेकिन वो स्मृति में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके खुद के अंदर नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है स्पष्ट नहीं होता उनको कि वो तो इन्हीं के लिए कल्प उन्होंने उनको फॉलो किया है और ये इसीलिए झट से अभी फॉलो करने लग पड़े हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इस चीज को नहीं जानते। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी बोलिए। इसमें मुझे लग रहा है कि जो सोल कॉन्शियस स्टेज है बाबा की, वो कंप्लीट स्टेज में है बाबा, कोई डुअलिटी नहीं है, कोई जैसे डाउट जो हमारे जीवन में आता है या कोई जो क्लैरिटी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में ना होने की वजह से। तो वो एक मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज पे बाबा को कंप्लीट क्लैरिटी है, तो कनेक्शन, वो पूरा जो रोल है और हमारा जो जीवन का जो मतलब जो हमारा चक, जैसे हमारा जीवन विकसित होता है, हाउ डू वी लाइक कम in drama and everything is very clear to Baba because he is in complete soul conscious stage.
तो बाबा बाबा में कोई डुअलिटी या कोई ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. सो ये मुझे समझ में आ रहा था दीदी. थैंक यू. थैंक यू मीना जी. दी बहन बोलिए. यहाँ पे ना दीदी दो चीजें हो सकती हैं. एक तो स्मृतियां स्पष्ट इसलिए भी हैं क्योंकि बाबा अजन्मा है ना. तो और हम जन्म लेते हैं तो बाबा ज्ञान का सागर भी है और अजन्मा भी है. तो इसलिए बाबा को हर चीज की एकदम एक्यूरेट क्लियरिटी है. तो आई थिंक ये हो सकता है यहाँ. थैंक यू रिया बहन. हाँ जी आरती बहन बोलिए. हिमा दीदी जैसे हमें पिछले साइकिल में बाबा से इतनी बेहद की प्राप्तियां हुई, मुक्ति बाबा के द्वारा मिली, जीवन मुक्ति बाबा के द्वारा मिली, तो वो इतनी हाई लेवल की प्राप्तियां थी जो कि धर्म पिताओं द्वारा उनके फॉलोअर्स को प्राप्त हुई उनके लेवल के अनुसार. बट फाइनल जो होता है वो परमात्मा के द्वारा होता है. तो वो हम बच्चों ने जिया है, बाकी सबने मुक्ति के लिए बाबा से दृष्टि लिए पर हमने एक्स्ट्रा लिया. तो कहीं ना कहीं वो आत्मा के अंदर इतना डीपली एनग्रेन्ड है कि उसको स्मृति दिलाने की जरूरत क्या है. वो जैसे ही बाबा का परिचय मिलता है सामने आता है एकदम वो हिट करता है, ट्रिगर होता है. और जैसे कुछ आत्माओं को हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा, उनको एक्चुअली इतना ज्ञान देना नहीं पड़ता. वो जैसे फर्स्ट डे सेकंड डे से ही 7 डेज कोर्स के लगता ही बाबा की हो गई. तो ये भी नंबर वार है. और ये जो हमें बाबा से अचीवमेंट प्राप्तियां ये उसके बल पर है. तो बाबा ने जो कहा है कि इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमपिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकता, तो स्पष्ट स्मृति से हम ये समझ सकते हैं बाबा जो हमें स्मृति दिलाने के लिए आते हैं वो स्मृति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देने आते हैं. और बाबा में वो पावर है कि हमारा सारा हमारे ऊपर जो कवरिंग्स है वो कवरिंग्स को एक सेकंड के लिए हटा के अनुभव करा दे. और वो अनुभव ही हमें खींच कर ऊपर ले आए. वो अनुभव ही हमें बाबा के साथ वो अपनापन का रिलेशन बनाने में मदद किया है. तो ये पावर सिर्फ बाबा में है क्योंकि बाबा एकदम प्योर बीइंग है और बीइंग ही एक बीइंग को खींच सकते हैं. तो बाबा ने कहा चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है. और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है ये वही मेरा बाप है. तो वो बाबा जब हम बाबा को याद करते हैं शुरुआत में तो हम याद भी ठीक से नहीं कर पाते हैं पर बाबा हमें वो जो जैसे हम याद करते हैं उस याद को जैसे खींचते हैं हमें. जब वो खींच होता है और सेकंड का जो अनुभव होता है उस प्यार का वो प्यार हमारे जो आत्मा में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड है वो इमर्ज कर देते हैं. और वो इमर्ज होने के कारण हमारे दिल से वो स्मृति का आवाज निकलता है ये वही मेरा बाप. बाबा कहते हैं बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे. और वो मेरे शब्द ये मेरे शब्द में कितना प्यार छिपा हुआ है. वो सारा जो अनुभव है वो प्यार का अनुभव इस मेरे शब्द में ही आ जाता है. और रिटर्न में बाबा भी उस मेरे शब्द से प्यार हमें भर देते हैं. बाबा कहते हैं मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प से नया जीवन और नया जहां मिल गया. जैसे ही बाबा का एक संकल्प बाबा ने हमें संकल्प दिया है बाबा हमारा याद बाबा के साथ याद मिला है और वो मेरा शब्द हमारे अंदर उत्पन्न हुआ उसी सेकंड में हमें ये फील हुआ है कि ये नया जीवन है नया जहां है. एक बहुत सुंदर सा एक सिक्योर्ड फीलिंग हो जाता है जो हमें
जैसे उस पुरानी दुनिया से एक मुक्ति का अनुभव हो जाता है एक सेकंड, और मुझे लगता है हम सबको ये अनुभव बाबा कहते हैं और सदा के लिए हमारा दिल में वो बैठ जाता है कि मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। बाबा कहते हैं जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने, जैसे स्मृति आ गया ये मेरा बाबा है तो हमारा हर चलन, हमारा बोल, हमारा सोच समर्थि की तरफ शिफ्ट होने लग गई। बाबा कहते समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना, और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे बाबा यहाँ? जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। कौन शेयर करेंगे? अंकिता बहन बोल सकते हैं? अंकिता बहन, संदीप भाई बताएंगे? हाँ जी बोलिए बहन, बोलिए बोलिए अंकिता बहन। ओम शांति दी। शांति। द क्वेश्चन, जो इतना स्मृतियों में रहते हैं वो समर्थियों में रहते हैं, स्मृति जैसे मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा की संतान हूँ, तो मेरे को उतने ही वो अधिकार प्राप्त होंगे, वो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो मेरे बुद्धि में आएगी, वो नशा चढ़ेगा, आई थिंक सो, वो उस नशे में रहूंगी, मैं खुशी में रहूंगी। जी संदीप भाई बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 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 संकल्प बन जाता है, स्मृति मेरी ये रहती है कोई, जैसे मैं IAS ऑफिसर बनना है तो मैं मतलब उस मेरा मेरी जो ये रहती है कि मुझे बनना है, मतलब वो मेरी इमेज हर समय मेरे दिमाग में मतलब संकल्पों में हर समय रहती है, तो जितना जितना मैं उस स्मृति में रहता हूँ उतना उतना मेरा मतलब मेरे अंदर से पॉजिटिविटी, मेरा उसी उसी की तरफ झुकाव मेरा हर समय मतलब चलते फिरते कहीं कहीं, मतलब मैं उसी के लिए बुक्स, उसी के लिए रेफरेंस बुक्स ये वो, मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिविटी जितना मैं डालता जाता हूँ तो जैसी स्मृति आती जाती है वैसा वैसा वो मेरे अंदर शक्ति भी एक तरह से आती जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू संदीप भाई। और किसी को शेयर करना है? दीदी, जैसे दीदी एग्जाम्पल देते हैं उस अर्थ का, जिसके अर्थ का जो कोर है ना वो स्मृति है, और उसके ऊपर जो लेयर्स आ जाती हैं वो है विस्मृति। तो जब जब तक मेरे ऊपर वो लेयर्स रहती हैं तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कितना खजाना है। ज्ञान की भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती हैं और वो बहुत शक्ति भरती हैं दीदी, लेकिन जैसे ही वो याद आती है वो शक्ति आ जाती है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं योग में बैठी हूँ तभी मुझे शक्ति आती है, वो ज्ञान का पॉइंट याद आते ही शक्ति आ जाती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको भूल जाती हूँ, ज्ञान का पॉइंट तो वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन उसे भूलते ही जैसे मैं विचलित हो जाती हूँ कोई परिस्थिति आती है तो, और खुद को जैसे कमजोर फील की अभी कैसे होगा क्या होगा ये फीलिंग आ जाती है, मतलब बिल्कुल ही अपने आप को शक्तिहीन फील करने लगते हैं। तो स्मृति की मुझे पता रहे कि मेरे पास कितना बड़ा खजाना है, शक्तियों का है और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो यही समर्थी लाता है, क्योंकि जब याद ही नहीं है मेरे पास क्या है तो मैं बहुत ही ऐसे दीनहीन जैसे हो जाती हूँ। ओम शांति। दीदी हर मनुष्य आत्मा में हिडन पोटेंशियल है, शक्ति अलग होती पोटेंशियल अलग होता है, तो वो जो पोटेंशियल होता है वो मेरी हाईएस्ट वो होती है क्षमता कैपेबिलिटी, जो हम समय रहते भूल जाते हैं, माया उस पे ना लेयर्स डाल देती है कि तुम तो इनकैपेबल हो, तुमसे तो होगा नहीं, और जितनी बार हमने हार खाई होती है
जीवन में या गलतियां की होती, उसके भी कहीं ना कहीं गिल्ट के इम्प्रिंट्स होते हैं हमारे अंदर, जो उन क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज को ऊपर नहीं आने देते। तो जब मुझे स्मृति आती है कि हाँ आई वॉज कैपेबल, आई वॉज एबल टू डू दैट, आई मतलब हाईएस्ट जो नॉच मैंने कभी अटेन किया था, तो मेरा वो हिडन पॉसिबल पोटेंशियल जो अंदर कहीं दबा होता है सबकॉन्शियस में, मर्ज होता है, वो एकदम इमर्ज होके ऊपर आता है और मैं असंभव से भी असंभव करने के क्षमता उस वक्त मुझ में इमर्ज हो जाती। जैसे उस इसी के आधार पर दीदी सारा ज्ञान है, इसी के आधार पर सत्युग आ रहा है, इसी के आधार पर हम वानर से मतलब बंदर समान मनुष्य से देवता बन रहे हैं, क्योंकि हमें बाबा सत्युग की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज शो करे कि तुम ही वो थे, वो स्मृति उससे मैं इस एक जन्म में, वो भी कुछ साल में, आधा पचद्दा ही तो है, है ना, कुछ साल पहले ही आई हूँ, इन्हीं कुछ सालों में ही मैं 63 बर्थ्स का, पूरे 84 बर्थ्स का हाई जंप मारती हूँ। इसमें हनुमान का भी मिसाल है कि हनुमान को स्मृति दिलाई गई कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तो वो पूरा पर्वत उठा के ले आए। तो वैसे ही सत्युग भी इसी के बल पर आ रहा है। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। ओम शांति। जैसे आयरन मैग्नेट को खींचता है, ऐसी मेरी जो समर्थि है, लाइक मेरी मन बुद्धि संस्कार, मेरे आसपास की सिचुएशन, परिस्थितियां, आत्मा, अगर मैं स्मृति में रहती हूँ, बाबा की शक्तिशाली स्मृति में, तो ये जो मेरे समर्थि है उसका अधिकार मुझे खुद ही मिल जाएगा, वो सब मेरे साथ ही बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी इसमें जैसे मदर का एग्जाम्पल आ रहा था, जैसे मुझे चिंतन में कि एक माँ होती है तो उसको कुछ एज अ मदर के रोल के लिए उसको इतनी क्लैरिटी होती है, क्योंकि उसका योग बच्चों से एकदम अविभाजित है, उसमें कोई मतलब कोई भी इंटरफेरेंस या कोई बाइफोकेशन नहीं है। तो ये जो योग है माँ का बच्चों के प्रति, और तो वो स्मृति जो है वो स्मृति को और क्लैरिटी देता है। तो जैसे बाबा के साथ हमारा जितना योग क्लियर है, मतलब जितना कनेक्शन क्लियर है, उतना वो जो मेरा जो स्मृति है या जो मेरा समान है वो मुझे और ज्यादा क्लियर होते जाता है। तो समर्थी माना कैपेबिलिटी, तो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है ज्यादा। तो जैसे ही हम समान में स्थित होते हैं तो बाबा से योग यदि हमारा क्लियर है, क्लैरिटी है कि हाँ शिव बाबा परमपिता परमात्मा वो मेरे पिता है, वो मेरे सदगुरु, उन्हीं ने मुझे ये सम्मान दिया है और उनसे मेरा योग क्लियर है, तो वो समर्थि अपने आप स्वतः ही इसे बाकी बच्चों के प्रति आ जाती है कैपेबिलिटी कि वो पहाड़ भी उठा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है अपने बच्चों पे। तो मुझे ये समझ में आ रहा था दीदी। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे बाबा ने कहा मेरा बाबा शब्द, ये मेरा बाबा शब्द जिन्होंने भी बाबा को पहचाना है उनके मुंह से ये मेरा बाबा दिल से निकला है, पर ये दिल से निकलना भी वो भी नंबर वार है। तो जिसका ये मेरा बाबा बोलने से, मेरा बाबा बोला माना बाबा से एक रिश्ता जुड़ गया, तो जो जिसने जिस जितना प्यार से वो रिश्ता को जोड़ा है हर कल, उसी हिसाब से वो स्मृति में स्मृति जागता है। सपोज मैंने थोड़ा कम याद किया बाबा को, किसी और ने थोड़ा सा और ज्यादा याद किया बाबा को, तो ये वो मेरा बाबा शब्द में ही वो फीलिंग समाये हुए है और वो स्मृति जाग उठते हैं। और वो स्मृति जितना जागते हैं उसके अनुसार उतना समर्थी, उसी के हिसाब से समर्थियों का भी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा समर्थी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जहां स्मृति है वहां समर्थि है ही, समर्थि अपने आप आएगा। मेरा बाबा कहा और सारा वर्षा इस मेरा बाबा में जो फीलिंग्स समाया हुआ है, जो हमारे फीलिंग्स का इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के अनुसार समर्थि आ जाएगा। बाबा कहते हैं थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, अगर थोड़ा सा भी उसमें कमी है तो उतना व्यर्थ भी आएगा। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो,
इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। कभी हमने ये भी अनुभव किए होंगे कि जब भी कुछ व्यर्थ आ गया, कोई विकल्प आ गया, और जैसे ही हम बाबा बोल दिया, बाबा बोलते ही हमारा स्थिति अलग हो जाता है, उस व्यर्थ से छूट जाते हैं। इसलिए जब हम लेटर भी लिख देते हैं बाबा को, तो हमारा स्थिति परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती मेरा इष्ट देव व देवी। जितना हमने यहाँ सिमरन किया बाबा, जितना हमने मेरा बाबा दिल से कहा और वो दिल से बाबा से जुड़े, बाबा से रिलेशन बनाया, जितना हमने बाबा को याद किया यहाँ पे, उतना हमें भक्त लोग हमें इष्ट देव के रूप में सिमरन करते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे अपने अति प्यार से, आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। मंदिरों में पूजा करते समय ये नहीं है कि बस विधि पूर्वक सारा कुछ कर लिया और दिल में प्यार नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ जितना हम प्यार करेंगे बाबा से, उतना उनमें भी प्यार होगा। बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। तो ये जो बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरा दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, निशानियां क्या है? एक तो दिल के स्नेह से संबंध से याद करना और दूसरा है नॉलेज के आधार पर संबंध अनुभव करना। कौन बताएंगे? निर्विकार भाई जी बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिल के स्नेह से एक जब होता है तो उसमें बेहद हो जाता है, मतलब वो लिमिटलेस हो जाता है कि वो टाइम नहीं देखता है या कोई सिचुएशन नहीं देखता है, मतलब वो उसमें वो उस लेवल तक, जैसे हम किसी के साथ रिलेशन में भी होते हैं तो जब दिल से होता है कोई चीज़ तो हम एक लिमिटलेस हो जाते हैं, मतलब थकावट भी नहीं हो रही है, मेहनत भी नहीं लग रही है। मगर दिमाग से जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होता है कि इससे मुझे ये मिलने वाला है। इवन जो हम प्राप्ति की बात करते हैं वहां पे भी बाबा के उसमें भी कि हमें प्राप्ति होने वाली है या सभी, मगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वो आ जाता है, तो वो इवन दो 100% भी नहीं होता है और वो एक बेहद में नहीं होता, एक लिमिट होता है कि हाँ मुझे इतना टाइम देना है, इतना ये करना है, सत्युग में आना है बाबा को, मतलब वो एक कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट और एक हद बेहद की दृष्टि मुझे थोड़ी सी इसमें लग रही है कि कहीं ना कहीं सिर्फ ज्ञान से, जबकि मैं भी, मुझे भी लगता है, मुझे अपने लिए भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रयत्न करता हूँ, मुझे सेकंड कैटेगरी में अपने आप को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो कैलकुलेशन होता है कि टाइम निकालना है, करना है, लाइक एफर्ट लग रहा है वहाँ पे, कि वहाँ वो एक लिमिटलेस बेहद की दृष्टि या बेहद की जो प्यार या याद नहीं आ पाती है। और किसी को शेयर करना है? जी जी दिल के स्नेह का संबंध जब, तो संबंध ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है जब बाबा से दिल का स्नेह जुड़ता है। पता चला, स्मृति आई, बाबा ने बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो एक होता है कि ठीक है नॉलेज,
हमारा पिता है, बाबा ने कहा याद करना, खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो हम घड़ी घड़ी उसको वो चीज स्मृति में आते हैं, हम उसको याद कर लेते हैं। लेकिन जब दिल से जब मान लिया कि हाँ तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे वो सिकिलदे पिता हो, हम कल्प कल्प मिले हैं, मुझे लगता है इसमें भूलने की फिर बात नहीं रहती है। और जहाँ भूलने की बात नहीं रहती है, हर संबंध में हर समय जब हम उनको याद कर पाते हैं, चाहे हम जरूरी नहीं है कि हम आत्मा समझ के उनको याद करें, लेकिन आई थिंक वो इंक्लूडेड रहते हैं हर हमारे कार्य में ना, एक स्मृति रहती है, बाबा बाबा मुख से निकलता रहता है, क्या करे बाबा कैसे करे, ये स्मृति बार बार मुख से निकलती रहती है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो जैसे संदीप भाई ने कहा निरंतर कुछ याद का फैक्टर आ जाता है। और ऐसे दिमाग से याद करने से, और दोनों की प्राप्ति में भी अंतर है, जितना हमारा दिल का स्नेह बाबा से जुड़ता है तो रिटर्न मिलता है बाबा का, बाबा बोलते हैं जितना स्नेह से तुम याद करते हो उतना स्नेह में भी दे, मैं भी देता हूँ। दिमाग से याद करने में जब वो स्नेह ही नहीं डेवलप हुआ तो बाबा भी स्नेह दे नहीं पाता है, उसके रिटर्न में जो सामर्थ्य आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, ये लगता मुझे। और किसी को शेयर करना है? दीदी इसमें ओम शांति, दीदी इसमें मुझे आ रहा है ये समझ में कि जो दिल का स्नेह है वो मना सर्व संबंध से आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि बाबा ही मेरा है, तो उनके जो भी कर्म हो रहे हैं, श्वास भी चल रहे हैं या जो भी स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं संकल्पों में भी, तो सब कुछ बाबा के लिए ही है, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा पे ही निर्धारित है मेरा जीवन। अब भल जैसे बाबा कहते हैं ना, जो भी परिस्थिति हो ऊपर नीचे, बट बाबा नहीं भूलता, क्योंकि सर्व संबंध की बाबा ही मेरा है ये। और जो दिमाग का है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर, नॉलेज इज लाइक एक्सपीरियंस ऑल्सो, नॉट ओनली व्हाट वी स्टडी इन ज्ञान रोज में, जैसे मुरली से जानना, वो तो दिल के संबंध में भी हम बाबा को और बेटर बेटर जानते जाते हैं, बट नॉलेज के आधार पर मुझे समझ आ रहा है जो अनुभव होते हैं हमारे, मान लो कोई अप्राप्ति है कहीं पे, अरे नहीं करेंगे तो ये हो सकता है, ब्राह्मण बने हैं, तो ये बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा है, मतलब नॉलेज के आधार पर तो याद दिलाना पड़ रहा है, वो दिल से आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि अभी सर्व संबंधों में बाबा से संबंध निभाया नहीं है कहीं ना कहीं, मतलब लौकिक अलौकिक का कहीं ना कहीं बाइफर्केशन है दिमाग के, तो वो अंदर नहीं जा रही है चीज। एक होता है ना जैसे हम जिसके स्वरूप बन जाए, और एक होता है जो हमें बार बार स्मृतियों के आधार पर उस चीज को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था दीदी, थैंक यू। तो जैसे बाबा ने कहा है, रिया बहन बोल रहे थे कुछ? हाँ जी दीदी, जैसे लौकिक वैसे भी ना जहाँ दिल लगा होता है तो वहाँ चीजें नेचुरल होती जाती हैं, और जहाँ दिल नहीं होता तो वहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ दिल के स्नेह में नेचुरल होने के कारण, तो हमें चूंकि नेचुरल ही होता है तो फिर प्राप्तियां भी उसी हिसाब से अधिक होती है, ये हो सकता है। तो जैसे ये बाबा ने दो स्टेजेस बताए, सेकेंड स्टेज हम सभी उसी स्टेज में थे जब हम नॉलेज के आधार पर संबंध बनाए, क्योंकि हमें वो नॉलेज ही नहीं था, हम बाबा को जानते ही नहीं, ना ही स्वयं को जानते थे। लौकिक में जैसे रिश्ता बनता है तो हम सालों साल एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पसंद को जानते हैं, सब कुछ जानते, तब दिल का प्यार जुड़ता है, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर होता है, तब दिल का प्यार स्नेह का जो संबंध वो जुड़ता है। तो बाबा को भी हमें जानना जरूरी होता है, इसलिए नॉलेज के आधार पर भी संबंध का अनुभव शुरुआत में हमें करना होता है। जब ये करते करते, जब नॉलेज के आधार पर धीरे धीरे हम बाबा को जानते हैं, धीरे धीरे बाबा का अनुभव करते हैं, और अनुभव करते करते वो स्नेह हमारे अंदर जो मर्ज था वो इमर्ज होने लग जाता है, और वो इमर्ज होने के कारण हमें अपने अंदर जो कमी कमजोरी है, जो अवगुण है, जो बाधा डाल रहे हैं बाबा से मिलन मनाने का, वो हमें दिखने लग जाता है, और धीरे धीरे हम वो हटाते जाते हैं।
क्योंकि हम चाहते हैं बाबा के साथ मिलन का और भी ज्यादा और भी गहराई से और भी इंटेंस हो, ताकि हमें वो फीलिंग वो अनुभव हो, क्योंकि कल पहले भी हमने वो अनुभव किया था, तो उस अनुभव के तरफ खींच होता है हमारा, और वो खींच के कारण धीरे धीरे हमारा एक एक विकर्म विनाश होता है, एक एक अवगुण गुण में कन्वर्ट होता है और सब समर्थी आ जाता है। बाबा कहते हैं जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। और जब याद सहज होता है तभी हमारा विकर्म विनाश होता है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। बाबा कहते हैं जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में बोल में कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। हमारा जितना अंदर बाबा के साथ प्यार होगा, जितना याद होगा, जितना निरंतर याद होगा, वो दूसरे आत्माओं को भी अनुभव होगा हमसे। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं क्योंकि वो जो बाबा का प्यार, वो जो बाबा का फीलिंग्स हमारे नस नस में बहने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप, माना इतना स्नेह भर गया है, इतना स्नेह में आत्मा और परमात्मा एक हो गए जो समान बन गए। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। बाबा तो सबको एक जैसे दिया है, जैसे कि सूर्य सूर्य का किरणों की तरह सूर्य निकला है और निकलते ही पूरा सृष्टि पर किरणें आता है, तो डिस्ट्रीब्यूट तो चारों तरफ एक जैसा हो रहा है, पर ये हमारे ऊपर है हम कितना पा रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते, सबके लिए एक संबंध है मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा कहते हैं अधिकार का संबंध होने कारण सर्व होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। तो जितना अधिकार से हम मेरा बाबा कहते हैं उतना हमारा जो सर्व प्राप्तियों के वर्षे का भी अधिकार होते हैं, चाहे 50 वर्ष वाले हैं चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। तो मेरा शब्द का अनुभव हम सबको है, क्योंकि हमने कितना मेरा मेरा किया है, पूरा कल्प मेरा मेरा किया है, और वो मेरा मेरा उस मेरा उस बाप को मेरा नहीं कह पाने के कारण हम सामानों को मेरा कहा, देहधारियों को मेरा कहा, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। बाबा कहते हैं लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अकूट वर्षा देने वाले वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो सबके लिए यह अकूट खजाना जो है सारे आत्माओं के लिए, तो कम क्यों दे, बाबा किसी को भी कम नहीं देते। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। तो लेवता कितना हमने क्लीन किया है, कितना हमने रिसीविंग मोड में वो जो केमिस्ट्री में होता है कि एक रिसीवर होता है और एक जो अंदर में आके एक सबस्ट्रेट
नाम है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, तो वो रिसीविंग मोड में जैसे हम रहते हैं, तो वो रिसीविंग मोड जो है वो कितना क्लीन है वो जानना जरूरी है। वो क्लीन जब होगा तब जाके वो हमारा वो स्थिति आता है रिसीव करने का, और वो रिसीव करके जैसे एक हम वो भी कह सकते हैं एमीबा जैसे होते हैं। एमीबा क्या करते हैं, खाना को लेते हैं, तो खाना को लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो एमीबा एक शेप बना लेते हैं, उस खाना के चारों तरफ घेर लेते हैं खाना को, तब जाके अंदर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वैसे ही हमारा भी बुद्धि कितना उस रिसीविंग मोड में होते हैं वो देखना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं पर प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं, इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। जैसे एक अमीबा ने खाना को घेर लिया, घेर कर फिर धीरे धीरे उसके अंदर समा लिया, ये एक कैटेगरी के होते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने जैसे अपने अंदर समाएंगे, जो जैसे ही समाएंगे वो हम यूज भी करेंगे। बॉडी में अगर खाना जाएगा तो फिर वो खाना शक्ति के रूप में यूज भी होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं, बाबा कहते हैं, और दूसरा खजाना मिला है इस खुशी में रहते हैं मेरा है। दूसरा जो खजाना मिला है वो मैंने अपने में समा लिया और समाने के बाद मेरा बना लिया। मेरा जैसे ही मेरा हो जाता है हम उस चीज को यूज करने लग जाते हैं, और जैसे हमने अपना बना के उसको यूज किया वो मेरा हो गया तो वो खुशी होने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। तो क्या अंतर है सदा और कभी कभी वालों में, क्या अनुभव होता है जब हम कभी कभी किसी खजाने को यूज करते हैं जो बाबा ने हमें दिया, और जो सदा यूज करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? दीदी इसमें ये चीज कह सकते हैं कि जैसे जो कभी कभी यूज कर रहे हैं खजाना या जो भी क्वालिटीज है, जो पावर्स हैं बाबा ने दी हैं, तो वो उस लेवल पे हम उसको उसकी पोटेंशियल को कम्प्लीटली हम नहीं यूज कर सकते हैं, और वो हमें जैसे समय पड़ने पर जैसे कोई ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति है तो वो चीज इमर्ज उतनी हो उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सदा यूज कर रहे हैं, हर कदम पे यूज कर रहे हैं, हर वे में यूज कर रहे हैं खजाने को, तो वो उसकी उसकी जो वास्ट पोटेंशियल है बेहद की वो भी एनहांस होती जाती है और वो मैग्निफाई होते जाता है, क्योंकि जिस लेवल पे हम उसको यूज कर रहे हैं तो उससे जो हमें पुण्य, हमारी जो कमाई जमा हो रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है बाबा की भी, परिवार की, स्वयं की, और एनवायरमेंट की, मतलब प्रकृति की, तो वो एनहांस होते जाता है, उसका पोटेंशियल बेहद में जाने लगता है। और जो कभी कभी यूज करते हैं वो एक हद में ही रहता है कि ठीक है वो एक हद में ही, जैसे हाँ कुछ समय के लिए वो चीज हमारी अपनी मतलब हम उसको यूज कर रहे हैं और वो हमें प्राप्ति करा रही है, बट एक जो बेहद की प्राप्ति है
चारों तरफ जो ये मूव करे, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारा ये जाना चाहिए, वो तभी होगा जब हम हर कदम पे, हर संकल्प में सदा काल के लिए विद मन वचन कर्म एंड विद श्वास संकल्प हम उसको यूज करें, जो जैसे मुझे समझ में आ रहा है. थैंक यू बाबा. सोनिया बहन कुछ शेयर करना चाहेंगी? और किसी? आरती बहन जी बोलिए. दीदी मैं इसमें अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी. मैं एक ऐसी परिस्थिति में फंसी थी, दो बार ऐसा हुआ था जो बहुत अभी तक बहुत अच्छे से याद है. तो बाबा का खजाना, मुझे लगता है सामान बहुत बड़ा खजाना है, इट्स लाइक शॉर्टकट अपनी स्थिति में रैपिड कन्वर्जन लाने का उस समय के लिए, उस परिस्थिति अनुसार. तो मैंने सामानों का दो बार यूज करा तो मैं बहुत सफलता प्राप्त करी, और एक बार तो डांट से बच गई थी, और एक बार कुछ आत्माएं हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल इंजीनियर टाइप थी, और मैं तो, मेरी बहुत बेसिक स्टडी रही है, तो उनके सामने बोलने में हिचकिचाहट वगैरह थी. और जैसे ही मैं पूर्वज आत्मा हूँ एकदम सामान में, मैंने इतना स्थित कर, जैसे आपने कहा ना एकदम एनवलप, जैसे अमीबा एनवलप्स द फूड, वैसे ही मैंने जैसे उस सामान को अपने ऑरा के द्वारा एनवलप कर लिया, जैसे बाबा को ही ओढ़ लिया हो उस सामान के साथ. तो वो जब ज्ञान मेरे मुख से फूटा, और ये था कि आत्मा मेरी क्यों सुनी, तो इतनी हाई लेवल पढ़ी लिखी और ये किसी और स्पेशलिटी में भी थी हूँ और इंजीनियर्स, तो मेरी क्यों सुनेंगे, वो एकदम कॉन्फिडेंस आया ये मेरी ही सुनेंगे. उन्होंने ज्ञान सुना और कहा जब हम इंडिया आएंगे तो हम मधुबन जरूर जाएंगे. इट वॉज एन अचीवमेंट इन मिनट्स जो मैं काफी टाइम से नहीं कर पा रही थी. तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है सामान के साथ. और वैसे ही बाबा के भिन्न भिन्न अलग अलग खजाने हैं, तो जब उनको यूज में लाते और उसके ना एकदम स्वरूप में लिप्त हो जाते हैं तो वो अपना रंग जरूर दिखाता है. तो सामान के साथ भी मेरा एक अनुभव बहुत अच्छे रही है, और उसके अलावा मेरा अनुभव अशक्तियों के साथ भी बहुत अच्छा रहा है इस केस में. और किसी को शेयर करना है कोई और पॉइंट, नया पॉइंट? दोनों में क्या डिफरेंस है, सदा और कभी कभी वाले? हाँ जी श्वेता बहन बोलिए. दीदी कभी कभी जब हम कोई बाबा से दी हुई प्राप्ति को यूज करते हैं तो कभी कभी यूज करने में हम फिर उसको नहीं यूज करते, एक बार यूज किया फिर छोड़ दिया, स्मृति में नहीं आया या जो भी. तो जैसे कि हम उसकी, वो एक टूल की तरह है और उस टूल में हम स्किल नहीं भर सकते. जैसे कोई भी हमें टूल यूज करना है तो हम बार बार रोज, जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बार बार यूज नहीं करते तो एक विस्मृति में भी आ जाते हैं. आज यूज किया, जैसे कोई निटिंग सीख रहा है तो आज निटिंग कर रहा है लेकिन कल छोड़ दिया, दो दिन छोड़ दिया, फिर परसों तो भूल भी जाएंगे कि दो दिन पहले कौन सा टेक्निक यूज किया था, कैसे पकड़ा था सिलाई को, और वो भी भूल जाएंगे. और क्योंकि माया की नगरी है, माया भुलाने में नंबर वन है. और फिर वो जो स्किल डेवलप होना चाहिए था, जो उसको निटिंग करने में मेरे को जो पराक्रम हासिल हो सकता था, मेरा बहुत स्पीड बढ़ सकता था, वो सारी चीजें भी हम नहीं कर पाते. तो वैसे ही बाबा का जो भी खजाना मिला हुआ, खुशी का खजाना, जो भी स्वमान का खजाना, बार बार जब यूज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं. और भूल कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, सिचुएशन पे याद नहीं आता हमें. और उसमें वो जौहर भी नहीं भरता, उसमें वो स्किल भी नहीं भरता, कि हमें अलग अलग विधियां भी तो नहीं पता चलती उसको यूज करने का. लगता है बस. और किसी को शेयर करना है? तो जैसे आप लोग सबने कहा है, जब दीदी मैंने ना इसमें वरदानों को भी बहुत यूज किया है. जब मैं नई नई आई थी तो मुझे खामियां अपने में ढेर सारी दिखती थी, तो जैसे मैं एक को पकड़ लेती थी और दीदी उसमें हर एक घंटे का वरदान लेती थी, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में बहुत मैं थोड़ा स्कैटर्ड सा रहता था तो मैं समेट नहीं पाती थी. तो वो समेटने का वरदान, वाइंड अप करने का वरदान, ये मैं हर एक घंटे में स्पीड बढ़ाने का जैसे कुछ उठा लिया. तो दीदी हर एक घंटे में वरदान लेती थी तो बिलीव मी वो मैं बहुत स्पीड से उस प्रॉब्लम से
वैसे मैंने काफी संस्कारों को परिवर्तित किया बाप दादा से वरदान, तो ये मुझे वरदानों से भी बहुत मदद मिली है। तो बाबा ने जैसे यहाँ कभी कभी वालों के बारे में कहा और सदा के बारे में कहा, कभी कभी वाले जो है हम उस समय प्रैक्टिस के स्टेट में होते हैं, और सदा जो है वो हमारे अंदर वो इनबिल्ट हो गया है। दूसरा क्या है, जब कभी कभी वाले वाला होता है तो कभी कभी जब हम करते हैं कभी कभी में हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट मिलता है और वो जो खुशी मिलता है वो खुशी हम बाहर एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, और जो बाहर एक्सप्रेस करते हैं वो खुशी को हम अपने अंदर समा नहीं पाते हैं, और हम सबको बोलते भी हैं और अनुभव भी सुनाते हैं, वो कभी कभी वाले में होता है। और जो सदा वाला होता है वो सदा हमारा उस बात पे एक होल्ड आ जाता है, एक कमांड आ जाता है, वो अपने आप काम करते हैं, हमारे अंदर वो संस्कार हो जाता है। कभी कभी वाला जो है वो हम धीरे धीरे उस कभी कभी में एक 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 स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें मजबूती बढ़ने लग जाता है, और जैसे जैसे मजबूत होते होते एक पावर ऐसे समय ऐसा एक पावर हो जाता है वो एकदम अपना हो जाता है। बाबा ने कहा कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर जाता है। अगर हम कार्य में यूज नहीं किए और इस यूज करने में जब हम कभी कभी यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें दर्द से भी गुजरना होता है, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन के तरफ जाने के लिए दर्द सा महसूस भी होता है, और जब सदा के लिए वो हो जाता है तो हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। बाबा कहते हैं आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले, पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर वन है या इस समय नंबर वन हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। तो हमने मंथन किया है बाबा हमेशा मुख मीठा के लिए क्यों कहते हैं, किसी ने मंथन किया? अभी भी गुलाब के जगह बाबा गुलाब जामुन के लिए कह रहे ताकि मुख मीठा रहे। ओम शांति दीदी। दीदी कल थोड़ा सा किया था तो ये फील हुआ था कि जैसे कुछ मीठा खाते हैं बहुत भूख लग रही हो, जैसे हम अक्सर ऐसे करते हैं मिश्री खा लो तो कुछ भी मीठा जैसे खा लेते हैं तो उससे एक एनर्जी मिल जाती है, ग्लूकोज होता है तो इंस्टेंट जैसे रिलीफ मिल जाता है आपको। तो बाबा ने जैसे जो भी आत्मा जैसे बाबा जी ने मीठा कहता है मीठी आत्मा है तो यूं कि उनसे मिलते ही एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि उनके संस्कार ऐसे होते हैं, उनके चेहरे पे ऐसी आभा होती है, भले वो कुछ बोले नहीं लेकिन एक इंस्टेंट एनर्जी उनसे ट्रांसफर हो जाती है और हम फील करते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। जिसे दीदी अपन मिले थे ना रानी दीदी से जैसे मिले थे तो कुछ बोले नहीं थे और बस बहुत आनंद आ गया उनसे मिलके, ना उनका चेहरा देख के आनंद आ गया। तो माना क्या वो बहुत मीठे हैं, ऐसा बाबा ऐसा शब्द यूज करता है कि वो बहुत मीठे मीठे बच्चे हैं। तो वो एक एनर्जी जो ग्लूकोज बॉडी को चाहिए होता है ना वो उनके मिलने मात्र से उनके सामने आने मात्र से वो ग्लूकोज मिल जाता है। ओम शांति। मुझे भी थोड़ा सा ऐसा ही लगा कि मतलब आगे वाले को किसी को भी एक सुकून
सुकून मिल जाना, मतलब किसी भी चीज से, चाहे वो मतलब उसको जैसे एक बोलते हैं ना कि हमने किसी को प्यास है मगर हम उसको बोल रहे हैं शरबत पी लो और ये पी लो, मगर वो उसको जो चाहिए जैसे वो रिलीफ, जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा वर्ड है कि मतलब किसी को कोई रिलीफ मिलना, किसी भी आत्मा को क्या चाहिए उस समय, इट कैन बी एक्स वाई जेड, तो वो उसको उस समय वो चीज मिल जाना, मुझे लगता है कि वो मिठास कह सकते हैं हम। तो बाबा कहते हैं अच्छा बाप दादा सभी टीचर्स के निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है, हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना, जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्ट धारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वे और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं, सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पाठधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती है, टीचर्स का हर चलन हर बोल हर एक्ट सब में टीचिंग का विशेषता समाया हुआ रहता है। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। सौ से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पदमा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर वन सेवाधारी। अच्छा चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान मन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले ऐसे बनाने वाले बाप दादा, ऐसे बनाने वाले बाप दादा को, ऐसे बनाने वाले बाप दादा को, बाप दादा को नमस्ते। चलेंगे परम धाम के रास्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। तो बाबा ने कहा डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। पहला पॉइंट है सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुन रत्नों की माला बनाई है, हमें तो ये भी पता नहीं था कि हम रत्न हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो, कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है, दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है, अगर बीच में धागा दिखाई दे दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। तो हमें चेक करना है कि माला के बीच में, दो माला के बीच में धागा
दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे बीच में वो फासला है, वो विकार रूपी या एक दूसरे से मिलकर ना रहने का वो फासला, वो धागा हो, तो हमें वो कवर करना है और एकदम दाना दाना मिल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा, अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वे परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते, आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। बाबा कहते हैं परम धाम कहा और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है? कहां अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं? केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना? बाबा ने बहुत सारा चेकिंग पॉइंट दिया है। बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है, दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। बाबा कहते कई कहते हैं ना लौकिक कार्य भी करे फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन ये बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना, तो हमें लौकिक सेवा को भी अलौकिक सेवा में परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करेंगे लौकिक सेवा को अलौकिक? अंकिता बहन बताएंगे? बताइए आरती बहन। दीदी इसमें तो मुझे एक ही वर्ड स्मृति में आता है, निमित्त भाव, कि बाबा करण करावन हार है और ये पूरा विश्व बाबा का बच्चा है, इसमें कोई ब्राह्मण परिवार और जो लौकी का डिफरेंस होता है वो है ही नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, कोई अब समझ चुके हैं कोई आगे समझ जाएंगे, है ना, तो वो नहीं भी समझेंगे पर हैं तो उसी के बच्चे ना, तो वो वननेस की फीलिंग जो एक रस्ता होती संभाव, उसमें अगर हम स्थित रहते हैं और कि मैं निमित्त हूँ तो उसमें फिर लौकिक अलौकिक का डिफरेंस रह नहीं जाता। जैसे सोनिया बहन के द्वारा बाबा ने अक्सर ये बात बोली है कि मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं घर के काम भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, प्रति बहन के थ्रू भी तो वो हर कार्य में सेवा है, मैं सांस भी ले रही हूँ तो भी सेवा है, मैं बच्चों को संभाल रही हूँ तो भी वो सेवा बाबा की सेवा है। बिल्कुल
और किसी को शेयर करना है कुछ? क्या हमने ये प्रैक्टिस करके देखा, निमित भाव का प्रैक्टिस, और क्या अनुभव? बहुत हल्कापन है इसमें और बहुत इंट्रोस्पेक्शन है इसमें, बहुत अपना सेटिस्फेक्शन है इसमें। तो ये चीज तो जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो लग रहा है कि एक तो ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को सेवा ढूंढनी नहीं है, मेरे पास हर पल सेवा है, देखना भी सेवा है, सुनना भी। एक और बहुत सुंदर बाबा ने अभी प्रैक्टिस कराई है माय मदर मंदिर इन लॉ इज हियर। तो कई बार हम लोग इस जगह फंस जाते हैं, आई थिंक सभी फंसते हैं ये सोच के कि अरे वो तो व्यर्थ बातें कर रहे हैं, वो तो क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मैं क्यों सुनूं, ये तो गलत सुनना हो गया। और उस दिन बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस कराई कि बच्चे जब तुम बैठते हो सुनते हो तो वो भी एक सेवा है, क्योंकि तुम अंदर नहीं ले रहे हो पर उसके अंदर का कुछ खाली, मतलब वो भी उसकी भी उस समय भी उसकी हीलिंग हो रही है। एंड जब मैं इस भाव से उनके साथ बैठती हूँ अब रेगुलर, और जब वो अपने अंदर का सब सुना देते हैं और हल्के हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सुनना भी एक सेवा है। इट्स नॉट हमेशा ये सोचो कि अरे वो तो व्यर्थ बोल रहा है, मैं क्यों सुनूं, वो तो दुनिया की झरमो ही सुना रहा है मुझे, दूसरों की नेगेटिविटी। पर जब वो मैं अंदर नहीं ले रही, मेरा उसका, मैं सिर्फ इस भाव से बैठी हूँ कि ये बोल कर वो हल्की हो रही है उनको, और आई कुड सी दैट कि जब इस भाव मैं सुनी उनकी सारी बातें, रेगुलर सुन रहे हो, तो वो इतनी खुश रहती हैं, इतना उनको अच्छा लगता है, जैसे उनकी हीलिंग हो रही है। तो बाबा ने वो जो एक और नया अभ्यास कराया कि सुनना भी सेवना, उनको देखना कि अरे ये बाबा का कितना अनमोल रतन है, बाबा ने इसकी सेवा मुझे दी है, तो ये देखना कि ये भी सेवा है। तो देखने की सेवा, सुनने की सेवा, बोलने की सेवा, मतलब बहुत, मतलब सेवा बाबा जो कहते हैं भी हद की है, तुम उसको हद में क्यों बांधते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ रेगुलर। थैंक यू बाबा। थैंक यू सोनिया बहन, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। और थैंक यू सोनिया बहन। और किसी को शेयर करना है कुछ? दीदी इसमें मेरा एक अनुभव है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो बाबा का घर है, जो भी हम लौकिक स्थान में रहते हैं, तो जैसे कोई भी आत्मा आते हैं, जैसे जो इनसे अच्छा नहीं रहा है पास्ट में, या जैसा भी रहा है, कुछ गड़बड़ भी रहा है, लेकिन जैसे ही वो मूड, जैसे ही वो आने का होता है या उन लोग के, उन आत्माओं के, तो हमेशा एक मूड ऑन हो जाता है नेचुरली कि ये बाबा का घर है और मैं बाबा की सेवाधारी हूँ, तो हैव टू बी द बेस्ट। और ऐसे ही जैसे लौकिक रिलेशंस में, जैसे मदर है, ब्रदर है, चाहे वो सिस्टर इन लॉ है, लेकिन उनके प्रति भी एक वो भाव रहता है कि जैसे मदरली फीलिंग मुझे अपने मतलब मुझे आत्मा को अपने लौकिक मम्मा के प्रति भी आने लगी किसी किसी स्टेज पे, कि अब मुझे बाबा ने मुझे नियमित बनाया है इनकी पालना के लिए भी, मतलब भले ही मेरी लौकिक में मदर है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए सच्चे पर्सपेक्टिव में तो आई एम बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू बाबा एंड बाबा ने मुझे निमित बनाया, तो कहीं ना कहीं वो हर चीज, मतलब उनकी कोई भी बातें जो रहती, कॉम्स होती हैं, जो भी चीजें वो शेयर करते हैं, उसको भी एक सिंह की तरह लेके जैसे बाबा को सौंप देना समा, उस जैसे इन्होंने सोनिया बहन ने जो शेयर किया, तो वो फीलिंग इतना स्ट्रांग हो चुकी है। जैसे आपने पीछे अभी मुरली में कहा था कि वो मेरा नेचुरल स्वरूप बन जाए, जो मना सदा वाला, तो वो नेचुरल स्वरूप सही में आप कह रहे हो, सच में यही बात है कि वो इतना नेचुरल स्वरूप बन गया है कि अभी जैसे एक मोड ऑन हो जाता है कि बाबा का घर है, मैं बाबा की निमित बच्ची हूँ, तो जो भी आत्माएं आती है, और हमेशा मनसा में ये भी रहता है दीदी, जो मैंने बहुत अनुभव किया है, कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, माना कुछ तो पॉजिटिव वाइब्रेशन या इंटरनल एक पॉजिटिव शुभ भावना या कोई वरदान या ऐसा कुछ पक्का रहता है मनसा में, कि चाहे वो सेवाधारी हो, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी की आत्मा हो, वो मैं, मेरा काम नहीं है, मुझे बस उसको बाबा का जो भी कुछ है, जो बेस्ट है, वो बाबा इसको मिल जाए बस, इस घर से, इस सेवा स्थान से, ये मेरा प्रयोजन मुझे आत्मा का हमेशा रहता है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक नेचुरल मतलब ये अनुभव मेरा बन गया है दीदी, जो आपने इसमें पीछे बाबा ने मुरली में कहा कि सदा और कभी कभी वाला, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मुझे शेयर करना था दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू।
तो हमने अभी जैसे डिस्कशन हुआ है, जब भी हम उस सेवाधारी का रोल प्ले करने लग जाते हैं तो हमारा कितना संस्कार मिट जाता है, पुराना संस्कार मिटकर और नया संस्कार धारण होने लग जाता है। तो कितना सेवाधारी बनना कितना हमारे लिए लाभदायक है, तो ये हम सोच सकते हैं। और सेवाधारी बनना मानना ये नहीं है कि मेरा ज्ञान योग धारणा ये नहीं रह रहा है, सेवाधारी बनने में ही सारा कुछ समाया हुआ है और सब कुछ हम कर रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं जितना बिजी रहेंगे वहां माया से भी हम बच जाते हैं। तो सेवाधारी बन जाना, हर जगह पे सेवाधारी बन जाना, ये एक बहुत अच्छा विधि है हमें अपने को आगे बढ़ाने के। बाबा कहते हैं ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते हैं वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं। अगर हम नौकरी करते हैं उस नौकरी को अगर सेवा के रूप में देखते हैं और वो धन बाबा के देखते हैं, तो कभी भी हमारे अंदर ऐसे कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा कि पैसा कम है या पैसा को क्या करे, पैसा कहाँ रखे, ये स्वतः ही होते जाएगा, सब कुछ होते जाएगा और हम हमेशा हल्का रहेंगे। और ट्रस्टी बनकर जब हम संभालेंगे उसको, तो कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन भी नहीं आएगा जो पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ गया। बाबा कहते हैं सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है, जहां धन होगा वहां मन होगा। हमने लौकिक में भी देखा है, किसी ने हमें धन से कुछ दे दिया है, धन खर्च किया हमारे लिए, हम कितना उस आत्मा से कनेक्टेड हो जाते। तो अब हमारा कनेक्शन का एक ही रास्ता है और उस रास्ते में कनेक्टेड होने के लिए वो धन को भी सफल करना है। बाबा कहते हैं जहां मन होगा वहां धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है, जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में दो शब्द छोड़कर जाना, एक है समथिंग और समटाइम। ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं तो फाउंडेशन यहाँ डालना है, तो हमें क्या छोड़ना है, एक समथिंग और समटाइम, और उसके लिए हमें हिम्मत रखना है। दीदी से एक्सप्लेन करेंगे समथिंग समटाइम? जैसे समथिंग इसलिए कहते हैं कि कुछ कुछ हम अभ्यास करते हैं और समटाइम कभी कभी हम अभ्यास करते हैं, तो दोनों समथिंग और समटाइम दोनों को छोड़ना है। क्लियर है आरती बहन? हाँ जी दीदी, हाँ जी, थैंक यू। बाबा कहते हैं हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है,
जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे, तो यहाँ भी बाबा ने वही बताया है, जब वो सदा की स्थिति आएगा तब जाके 21 जन्म चलेंगे। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तो डाउट का संस्कार बिल्कुल हमारे से हट जाना चाहिए। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हरेक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। बाबा कहते हैं अच्छा। बाबा ने एक मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे वरदान। ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा कहते स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। जब भी हम दूसरे का चिंतन करते हैं तब जब जब हमने देखा है दूसरे का चिंतन किया तब तब हमारा शक्ति घटते गए और हम गिरती कला में चले गए। तो ये शुभ चिंतन का लिस्ट में नहीं आता है। बाबा कहते पहले स्व और स्व के साथ सर्व। जब स्व को स्व का चिंतन में कहेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्व का चिंतन उसमें समाया हुआ है, सर्व का भला का चिंतन समाया हुआ है। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि स्व के स्टेज में हम नहीं स्थित होके दूसरे को परिवर्तन करने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे को करेक्शन देते हैं और वो करेक्शन सामने वाला का शक्ति को घटा देते हैं, उनको गिरती कला में ले आते हैं, उनका उनको दिल शिकस्त कर देते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाबा कहते बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जब हम स्व में स्व के ऊपर काम करेंगे तब हम दूसरों को भी शक्ति दे सकते, क्योंकि स्व पर काम करना और दाता बन जाना ये स्व का कल्याण भी कर रहे और दूसरों का भी कल्याण। बाबा ने स्लोगन दिया सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। अभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।